और आइए आगे बढ़ते बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी असम के दो दिवसीय दौरे पर, आज पीएम के असम दौरे का दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे, वहां से आई हुई तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काजीरंगा पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। पीएम मोदी ने हाथी की सवारी की है और पीएम मोदी आज सुबह करीब 5 बजे काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे थे। पीएम मोदी के जंगल सफारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काजीरंगा पहुंचने से पहले सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी करीब 2 घंटे तक यहां पर रुके। ये लीजिए आपके सामने तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिप्सी की सवारी करते हुए जंगल सफारी से जुड़ी हुई। असम दौरे पर 2 दिन के लिए आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। ना सिर्फ जंगल सफारी की बल्कि महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ ये मुलाकात ये भी बेहद मायने रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे का आज उनका दूसरा दिन और आज यहां से रवानगी होगी उत्तर प्रदेश के लिए। आज शाम 6 बजे वाराणसी पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। तस्वीरें आपके सामने, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी इस समय लाखों लोगों ने तस्वीरें देखी हैं। एक्सक्लूसिवली हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं असम के काजीरंगा से ये स्टेट तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया, पूरा जंगल घूमा, हाथी की सवारी भी उन्होंने की और सुरक्षा कर्मियों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। तो सीधे तौर पर 370 का जो लक्ष्य बीजेपी ने खुद जीतने का अपने लिए रखा है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य राज्य के दौरे पर हैं और राज्य राज्य के दौरे पर पश्चिम बंगाल, बिहार के बाद असम और अब उत्तर प्रदेश पहुंचने की तैयारी कर चुके हैं। वाराणसी से एक बार फिर से चुनावी मैदान में, और ऐसे में आज 6 बजे वाराणसी पहुंचने की उनकी खबरें असम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जो बदलाव हुआ है वो अब आपको बता देते हैं। देखिए, पहले जो जानकारी थी उसके मुताबिक पीएम आज रात 9:30 बजे काशी पहुंचने वाले थे, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव जो किए गए हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी आज रात 9:30 की बजाय अब शाम 6 बजे काशी पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले हैं, उसके आगे आपको बताएं कि बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद पीएम मोदी बरेका जाएंगे, एयरपोर्ट से विश्वनाथ मंदिर और फिर बरेका तक पीएम मोदी का भव्य रोड शो होगा। 38 जगहों पर पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां लोगों ने की हुई हैं। वाराणसी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार पीएम मोदी काशी आ रहे हैं। 10 मार्च को सुबह 10 बजे बरेका हेलीपैड से आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी, यानी कि कल आजमगढ़ जाएंगे पीएम मोदी। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां अपनी जीत के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। जोर शोर से तैयारियां चल रही है हर पार्टी की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी तैयारी है जीत की। प्रचार के लिए पूरे देश में सीएम योगी की भारी डिमांड है। हर बार आप देखते हैं जब भी देश में चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए भारी डिमांड पूरे देश में होती है। सीएम योगी की यूपी की हर लोकसभा क्षेत्र में जनसभाएं होंगी, ये जनसभाएं प्रस्तावित हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दें कि दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी की भारी डिमांड है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में सीएम की सभाएं होने जा रही हैं। सीएम योगी हिमाचल प्रदेश भी पहुंचेंगे, उत्तराखंड भी जाएंगे, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यहाँ बिहार में भी चुनावी जनसभाएं करते हुए आगे नजर आने वाले हैं। पहले चरण के प्रत्याशी घोषित होने के बाद राज्यों में सीएम योगी रोड शो और रैलियां करेंगे।